अच्छा श्रोता सज्जनों, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक गौरव यादव एंड पार्टी आप लोग के बीच में एक बिरहा भेज रहा हूँ। आप लोग बहुत से बिरहा सुने होंगे रामायण से, लेकिन यह रामायण से एक बिरहा है, एक अनोखी बिरहा, अद्भुत कहानी है। मेरे बिरहा का शीर्षक होगा महादेव और महावीर की लड़ाई, भक्त और भगवान की लड़ाई। तो चार लाइन भूमिका के अंदर भाव है मास्टर, कैसे? अल्प वस्तु अल्प क्षण में प्रसन्न होके दुनिया में सबसे अलग भोला दानी, शिव का या शिव रूप भेषज है भक्तों में, रखे सदा आग के साथ पानी, पांच मुख धारी प्रसन्न हो के भक्ति पे, रावण का दिल जीत दस शीश लेकर, बेघर महादेव भगतों को घर दे के, दर दर सहे ठोकर गिरिजा को लेके। सावन के महीना में भगवान भोलेनाथ के लोग पूजता, क्यों बैजनाथ धाम, क्यों विश्वनाथ धाम, क्यों अमरनाथ धाम, क्यों बाबा मार्कंडे महादेव धाम। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तन के सब कुछ देने, लेकिन अपने खातिर कुछ होना कहीं ना। एक लाइन गजल है मास्टर, यह वही गजल है। कोई दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है, क्या कहता है मास्टर? यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो, लेकिन भाव कभी जी देना। ये दुनिया में जे के सुना वो पहलवान हो, वो वीर हो, लेकिन असली वीर रहल के बतावल गई भाव में। चाहे भी कोई कितना हूं बलवान बनेगा, लेकिन नहीं वो दुनिया में हनुमान बनेगा। कहानी बतावल गई, कब के कहानी है, कैसन कहानी है मास्टर? सत्य के मार्ग पर असत्य सदा चलता है, धर्म की आड़ में अधर्म सदा पलता है। शत्रु में लज्जत हो तो किस्मत संवर जाती है, दुश्मनी के आगे दोस्ती न कदर पाती है। खत्म से ना हुई चिंता की घटा छाई है, दशानन की दसवीं दशा नजदीक आई है। ज
जिंदगी रावण की, जिंदगी रावण की, लड़कों की ना झुक खेल हुई, मायापति के आगे सारी माया फेल हुई। कहे रघुवर जी जन लेता हूँ, तुझे संभलने का एक और मौका देता हूँ। जिंदगी प्यारी हो तो घर पे ही रह जाना तुम, नहीं तो मरने खातिर कल समर में आना तुम। तनी बात के समझ ले, जौने समय राम रावण युद्ध लंका में चलत रहल, उस समय का बात बतावल गई। रावण के सारी सेना मार देवल गई, रावण अकेला लंका में बचल हो। जब अकेला लंका में बचल तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे कि मैं तुम्हें एक दिन का मौका देता हूँ, रावण मैं तुम्हें एक दिन का मौका देता हूँ, यदि जिंदगी प्यारी होगी तो तुम लड़ने के लिए मत आना। रावण के एक दिन का मौका देने रावण इधर गयल, जाके भगवान भोलेनाथ के लगल तपस्या करी। तपस्या कैलस तो भैल का तपस्या करत हो, इधर रावण का पत्नी जेका नाम मंदोदरी बतावल गल, मंदोदरी एकदम चिंता में हो गई है कि सारी सेना मर गई, अकेला ही बचल हम। अब से ही जाके सीता जी के वापस कह देतन तो जान बच जाती। कर मंदोदरी रावण का पैर पकड़ के एगो बात कहे, एक लाइन गीत है मास्टर, कैसे मास्टर साहब वह गीत के संकेत करत हम। कौनो ननद अपने भौजाई से कहत रहल कि भौजी यही सवनवे में हमरो भैया से कह देते गौना दे देतन, कैसे कहे मास्टर? कही द भौजी भैया जी से, कही द भौजी भैया जी से, दई दे मोरे गवाना वाला, कही द भौजी भैया चाहे गहना मारा, चाहे चाहे कौड़ा गुंडा, चाहे गहना मारा, चाहे चाहे कौड़ा गुंडा, चाहे गहना मारा। लेकिन मंदोदरी अपने पति रावण का पैर पकड़ के रोके कहती है एकठे बात, कैसे मास्टर? रोवैले मंदोदरी बरसे, रोवैले मंदोदरी बरसे, औ बिरल नया ना मारा, रोवेले मंदोदरी बरसे, अबिरल नयन
ना बनी गईले असमसाना मारा चाही के सरानिया रा मंदोदरी अपने पति रावण का पैर पकड़ के कहती है कि आप जाकर के सीता जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथों में सौंप दीजिए और उनसे माफी मांग लीजिए, अब से तो लंका को बचा लीजिए। लेकिन रावण कहां मानने वाला। मंदोदरी कहती है कि प्रभु मेरे प्राणनाथ वह बहुत दयालु है, आपको शरण में देखते ही वह आपकी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। कैसे कहती है, अरे सीता जी के वापस कैदा जाए के सरनिया रा करी है राउर कहना दानिया रा कह भगवान जाके सीता के वापस कहता प्रभु के हाथ में, प्रभु आपको सारी गलती माफ कर दी है, अब से लंका के बचा ला, खाली तुहरा जान बचल पा और सारी सेना मार गई। लेकिन रावण कहां मानने वाला। रावण तुरंत झटक के अपने पत्नी को उछल देता है और कहता है, बोला रावण ये भिरू पिए, बोला रावण ये भिरी पिए मत कहो हलाहल पीने को, मैं मौत समझ का हूं उसका जिसको तुम कहती जीने को। नतमस्तक होके दुश्मन के घर, नतमस्तक होके दुश्मन के घर कभी नहीं मैं जाऊंगा, मारूंगा दोनों तपसी को अथवा ही खुद मर जाऊंगा। कहते हैं मेहरारू के जात आवत ही हमके शिक्षा देवे। कई दिन का जानकार है यह रावण किसी के यहाँ आज तक झुका नहीं है, न झुकेगा, भले से मर जाएगा। इतना कह के रावण चल के निकल दिलस। अजाय के भगवान भोलेनाथ के तपस्या करत हो, भगवान प्रसन्न तपस्या से प्रसन्न भईने रावण से कहने, बोल बेटा का चाही तुके। रावण कहे, प्रभु चाही तो कुछ न, लेकिन इतना हो कि काल भर हमके खाली समय मिलल हो, काल का हमार लड़ाई जे राम से ले लही ओकरे बाद तो हमें क्यों मरही वाला पैदा न हुई। भगवान भोलेनाथ सोचे लगने कि राम से लड़े के वो भी हमार भक्त हो, तू भी हमार भक्त, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो रावण के वरदान जे चुकल हम। कहना ठीक है यो मस्त, भगवान भोलेनाथ तैयार हो गई ना, और रावण बतावा था भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु करे के का हो। एक लाइन गीत हो मास्टर, सब के दोस्त बा चरिया के दोस्त बा
लेकिन रावण भगवान भोलेनाथ से बता था कि प्रभु सांसत में पड़ के जिंदगी सांसत में पड़ के जिंदगी तड़पत हमार बा हमके बस सहारा भोला जग में तुहार बा जग में तो हार बा रावण कहे कि भगवान काल का लड़ाई हमार जे लड़ लही ओगरे बात तो हमके क्यों पैबे ना करी भगवान भोलेनाथ तैयार हो गई ना कहे ओ मस्तु बेटा चिंता मत करो कल मैं जाऊंगा। इधर भगवान जब लड़ाई के मैदान में आए हम तैयार के वहां ललकारत हम एक लाइन की थे कैसे मास्टर ये गीत बड़ी पुरान है ए बलिया बिहार को बड़ा जोर चले ले कैसे मास्टर अरे जुगल जोड़ी रे अरे जुगल जोड़ी अदुन पनिया के जाली जुगल जोड़ी दोनों पानी के जाले जुगल के हथवा में सो है घड़ी लावा छुटकी के हथवा रे समडोरी दोनों पानी के जाली जुगुला जोड़ी दोनों पानी के जाली लेकिन भगवान भोलेनाथ जब लड़ाई के मैदान में आल वो समय कहत हम अरे मचाई दे बरे मचाई दे बर हक्का लरण में तू फनवा मचाई दे काल रण में तू फनवा भालू बन रंग का कवन बायव कतिया भालू बन रंग का कवन बायव कतिया भालू बन रंग का कवन बायव कतिया अरे राम के भी मार के गिराई दे भाई राम के भी मार के गिराई दे भाई काल रण में कोहलवा मचाई दे भाई आके लड़ ले भालू बनरंग का तो बात छोड़ा राम के भी मार के गिरा दे
कहे का कहे, अरे शिव भक्त के जे दिखाई दे ही अखिया, ओके जरा के बनाए देबा रखिया, ओके जरा के बनाए देबा रखिया, ओके जरा के बनाए देबा रखिया। सरलागत के जाए देबा ना परनवा, अरे उल्टी गंगा चंग में बहाई दे बैठ, काला रण में कोहलवा मचाई दे बैठ, काला रण में कोहलवा। इतनी बात जब भगवान भोलेनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम के पता चलल हो कि भगवान भोलेनाथ हमारे सामने लड़े बदे आवत हम, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सोचत हम कि जेकर हम शिष्य ही वही से उकरे सामने कैसे जाके लड़ब। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सोचे का, कहे राम भोला का सुन के खबरिया, काला रण में कोहलवा मचाई दे बै, काला भगवान राम कहे कि भले से हम सीता के छोड़ के लंका में यहां से अयोध्या चल जाए, लेकिन हम भगवान के सामने लड़ाई न लड़ब। कहे रघुकुल के रीत यदि हम लड़े जाब तो रघुकुल के रीत के प्रीत मिट जाइए। लोग यह कहे कि भक्त अपने भगवान से लड़ो थो, ये बदे हम सीता के छोड़ के लंका में वापस चल जाब अयोध्या, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सामने लड़े बदे न जाब। जब इतनी बात अंगद हनुमान जामवंत जब सुनले हम, तो लोग सोचत हम आपस में क्यों क्यों से बोलत ना, सब सोचत हो। तो एक लाइन गीत लग गिल मास्टर, यह गीत के स्वर्गीय काशी बुल्लू गुरुजी गावत हैं लोग। कैसे गावे मास्टर? सरंगिया वाले कटेरावा, सरंगिया वाले कटेरावा, बताई तेरा छोटकी लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का बात सुन के अंगद नील हनुमान जामवन लोग सोचत हम, अरे केहू न बोलेला केहू से कुछ हूँ, केहू न बोलेला केहू से कुछ हूँ, गलनिया भैली थरे के सामान सब ही
पतिया हो जवनिया भैली आपस में अंगद हनुमान जामवंत लोग बात करत हम चिजोले प्रभु न चली हन तबले कैसे लड़ाई लड़ल जे हमने लक्ष्मण कसमा बिना भैया के तो हमार शक्ति है काम ना करी लेकिन सबकर बात सुनत हम लेकिन हनुमान जी खड़ा भैना लेके गदा तेज उकटेरी का भाव लगल मास्टर अड़भंगी अड़भंगी भल ही लड़ी है जंगवा अरे अड़भंगी भल ही लड़ी है जंगवा हो अड़भंगी भल ही लड़ी है जंगवा रण में रावण में मरी है जरूर बजरंगी अरे बजरंगी अरे बजरंगी अरे बजरंगी अड़भंगी भल ही लड़ी है जंगवा रण में रावण के मरी है जरूर बजरंगी अड़भंगी भल ही लड़ी है जंगवा हनुमान जी कहने क्यों जाओ चाहे जिन जाओ हम तो चलब चल के भगवान भोलेनाथ से लड़ाई ले बाबू रावण के मारा काहे बदे मारा सर के अंदर सीता के लिए लंका तो क्या अरे सीता के लिए लंका तो क्या ब्रह्मा की सृष्टि मिटा दूंगा धरती को उल्टा कर अंबर की राह दिखा दूंगा अरे माता का कर्ज है बेटे पे माता का कर्ज है बेटे पे उसको चुपचाप करना है रंग भूमि में जाकर के कपि के हाथों अब मरना है कहे रावण के अभी बजरंगी के हाथे मरे के हनुमान के हाथे मरे के लिखे के हो चल देना लड़ाई लड़े बदे जब पहुंचना मैदान में तो वहां शंकर जी पैतरा ले थम पैतरा लेके कदम अरे ही बानर आई गल लड़े कहे और सब कहां हो अकेला इला हनुमान कहे और क्यों ना हनुमान तो से लड़ी हाँ तेह जो गीत लगल मास्टर कैसे फड़कता फड़कता है भुजाओं में चुनूने जोश का सागरी फड़कता कता है भुजाओं में चुनूने जोश का सागर हर मिट गई जो मिटाने से रे निशानी वह नहीं होती प्रभु हम के जिंदगा कि हम खाली बनना लड़े आल है तैयार हुआ हम लड़े के तैयार है उधर से भगवान भोलेनाथ तैयार भैना इधर से हनुमान जी तैयार भैना लड़ाई सुगल भ
भाव पापड़ के अंदर देवे के बड़ा मास्टर भैले खड़ा यारी को होई का यारा भांगी जंगे धराती पे अरे भैले खड़ा यारी को होई का यारा भांगी जंगे धराती पे भैले सनमुख बन के काल बहुरंगी जंगे धराती पे राम कहे ना आई ले हो तोहरे सिवा ना लौके केहू कहवा सब रह गई ले हो कहवा रह गई सेना बहुरंगी जंगी धरती पर हमें बतावा हे कपिवर सतसंगी जंगी धरती पर भगवान भोलेनाथ कहे हनुमान तोहरे सिवा के अलौकत ना हो सब कहाँ हो राम अंगद जामवंत सब कहाँ है कि अलौकत ना हो तोहरे सिवा कहे प्रभु सब कर बात छोड़ा अब आप लड़ाई की तैयारी करा शंकर भगवान कहने तू न मनबा कहे ना हम न मारब लड़ाई जब भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली में लड़ाई शुरू भइल अपन त्रिशूल खींच के मारथ में भोलेनाथ उधर से हनुमान जी गदा से मार के त्रिशूल के तोड़ देना जब त्रिशूल टूटल हो तो बेले का पेड़ बन गल हो जब बेले का पेड़ बनल हो तो वह बेल का पेड़ उठा के हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के आगे फेंकना है तेजा आल्हा लगल मास्टर कैसे भगतन के खातिर भोला सहले विपतिया भैया भगतन के खातिर अपन खोइले पहाचा भगतन के खातिर अपन सारा लुटवले भैया भगतन के खातिर कैले जंगा घमासा कहे बजरंगे मारा आबंती रसूलवाय भोला एको कदम पीछे नहीं हटिए हनुमान मारा ले त्रिशूलवाय अपन जुलमी भोला भैया वह बेल पेड़वा फेंकले भोला के समनवा भैया घायल होके गिरिया कैले सिरी मा धूर में सनाइल धूर जटिल की शरीरिया भैया मांगे कपी हम से तू कवनो बरदा कहे कपी कैली नहीं कवनो भलैया प्रभु जी कहे हमरा
सब ही चढ़ावे खाली बेले के पतैया भैया भगवान भोलेनाथ लड़ाई हनुमान जी लड़त हम लेकिन वही समय हनुमान जी कहने के प्रभु देखा जिन तुम अपन त्रिशूल खींच के मारा एको कदम हनुमान पीछे रड़ से नटियन जैसे ही भगवान भोलेनाथ अपन त्रिशूल फेंक के मरले हमन हनुमान जी गदा से लगा के त्रिशूल के दो खंड कह देना जैसे ही त्रिशूल खंड में भल पेड़े का रूप पकड़ लेला वह पेड़े का रूप हनुमान जी उठाए के भगवान भोलेनाथ के आगे फेंकना भगवान भोलेनाथ बेहोश होके गिर गई ना धूर में एकदम सना गई ना कहे हनुमान हम तुमसे प्रसन्न हो तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो हनुमान कहे प्रभु हम तो आपसे लड़त थी हम कौन आपका भलाई कह दिले कि आप हमसे प्रसन्न भी हो गई और कथे वर मांग ला भगवान भोलेनाथ कहे कपि आज तक सब लोग मुझे बेलपत्र ही चढ़ाते थे लेकिन आज तूने मुझे बेल का पेड़ चढ़ाया है चंदन की लकड़ी चढ़ाया है इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। हनुमान जी कहे प्रभु वर देवला चाहत हुआ तो यह वर दे देता यह करता कि लड़ाई का मैदान छोड़ के आप भाग जीता भगवान बड़े फेर में पढ़ने की इधर रावण के वरदान दे है कि आज का हम तो लड़ाई लड़ब इधर एक भी वरदान दे दिली कि कौनो बर मांग ले अभी कह देबा कि लड़ाइया छोड़ के भागा आखिर में शंकर जी के लड़ाई छोड़ के मैदान के भागे के पड़ल जैसे ही भगवान भोलेनाथ लड़ाई छोड़ के भगना रावण सामने आयल हो इधर से तुरंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपने दलबल के साथ भी आ गए ना तब हेल का मास्टर खड़ी के अंदर भाव शिव के भगत दस कंधर के पिहरे छतिया तो अइले रघुकुल के समान हो बन के घतिया बाण से 20 भुजा 10 सर से 10 गर्दनवा काट के एक सर मरने राम अरे नाभि के दर मनवा तौड़ ले पिजड़ा से सुगनवा वो बन के घातिया जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बाण चलैले हमार रावण के बाण लगल 20 भुजा कट के नीचे गिर गई 10 सिर धड़ से कट के आसमान में उड़ गल जब नीचे गिरल हो रावण के सिर धरती पे रावण के आंख से आंसू चलत हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम देखने कहे रावण वीर के आंखों से कभी आंसू नहीं आता है आपका आखिरी समय है आप मरने वाले हैं लेकिन आपने बहुत बड़ा काम एक किया है जब तक यह सूरज और चांद रहेगा तब तक आपका नाम इतिहास के पन्नों में रहेगा। रावण कहे प्रभु हमें मरले का गम ना हो गम एक बात कहो कौने बात का रावण कहे साथ छुटत बा तोह से हे रघुराई एही से नीर बहाव अखिया के समझ आई तत्तल पे पिछुड़त के परनवा हो बन के घाती
कहे कि प्रभु आस ऐसे बहुत बाकी आज से तो से हमार साथ छुट जाई ना ही, तो जब तक रही है तब तक तो से लड़ाई लड़त रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं रावण कोई बात नहीं, आज से हर एक लड़ने वालों को एक दूसरे को जब तक आमने सामने रहेंगे तब तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे के मर जाने के विपक्षी के मर जाने के बाद वह भी रोएगा जो उससे लड़ रहा था। कहें कैसे, कहें राम छुटी है ना साथ तोह से कबहू दसकंधर, आज से वही है हर मनुष्य के दिल में युद्ध भयंकर, लड़ी है रघुबर और रवाना वहां हो बनी के घाती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, और आज से हर मनुष्य के दिल में एक दूसरे के प्रति लड़ाई रहेगी, लेकिन उसके न रहने के बाद उसे उसका पश्चाताप जरूर होगा। यहीं से कहानी का अंत हुआ। आखिरी भाव में कहना है, गुरु बिहारी पत्तू छह बर जीवन पूजा का फूल, कहे छह बर बिना प्रभु के गड़े हृदय में शूल, अरे अड़भंगी भले ही लड़ी है जंगवा, हे भैया अड़भंगी भले ही लड़ी है जंगवा, पारस गौरव यादव का पिराहा बहुरंगी, अड़भंगी भले ही लड़ी है जंगवा।